नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट जाने की खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुजरात की, जहां मोरबी में एक बस आग के हवाले चली गई। बताया जा रहा है कि ये जब हादसा हुआ तो वहां पर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। गुजरात के मोरबी से खबर है, जहां पर बस में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। एसटी बस सर्विस स्टेशन में ये बस जलकर खाक हो गई। तस्वीरें इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने। आग लगने के बाद किस तरह से ये बस आग के गोले में तब्दील हो गई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल ये बस सर्विस के लिए यहाँ पर खड़ी थी और तभी आग ने इसे पूरी तरह से घेर लिया। देखते देखते आग विकराल होती चली गई। बस को आग की लपटों ने चारों तरफ से घेर रखा है। बड़ी बड़ी लपटों को देखकर आसपास के लोग डर गए। आग इतनी भयानक थी कि इस आग ने पूरी बस को जलाकर राख कर दिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। सर्विस स्टेशन के पास ये बस आग के हवाले कैसे चली गई, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि सर्विस स्टेशन में इसके ठीक होने के या मरम्मत के ही कामकाज जो थे वो किए जा रहे थे, लेकिन अचानक आग कैसे पकड़ी इसको लेकर जांच की जा रही है। और हैरान करने वाली खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां झांसी में बीच चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपस में भिड़ गई दो महिलाएं। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते ये महिलाएं आपस में भिड़ गई। नशेबाज युवक की एंट्री होती है इसके बाद और नशेबाज युवक ने महिला पर हमला कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए पूरे सिक्वेंस के साथ, दो महिलाएं आपस में लड़ रही। एक नशेबाज इंटरप्ट करता है और उसके बाद वो भी इस झगड़े का हिस्सा बन जाता है, वो एक महिला पर हमला कर देता है। इस घटना से जुड़ा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि ये झांसी के चौराहे पर कैसे दो महिलाएं आपस में भिड़ी हुई है। किसी आपसी विवाद को लेकर ये तकरार चल रही थी। तस्वीरों में एक महिला दूसरी महिला को रेलिंग की तरफ धक्का देती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। आसपास खड़े लोग महिलाओं को अलग करने की बजाय सिर्फ तमाशा देख मामला समझने की कोशिश, ऐसा लग रहा है कि लोग कर। इतने में एक नशेबाज युवक की मौके पर एंट्री हो जाती है और ये नशेबाज युवक दोनों महिलाओं की लड़ाई में कूद जाता है। बेल्ट निकालकर साड़ी पहनी महिला को मारने लग जाता है। यहाँ भी लोग छुड़ाने की बजाय सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, दूर से ही रोकने की बात कहते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जब लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे तो नशेबाज युवक ने वीडियो बना रहे एक शख्स को पीटने की धमकी तक दे डाली। तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, ये पीली टी शर्ट में जो लड़का है वो महिला के साथ कैसे मारपीट कर रहा है। लड़ाई दो महिलाओं की थी, ये शख्स नशे में धुत होकर इस साड़ी पहनी महिला पर हमला शुरू कर देता और फिर उसके बाद लड़ाई इन दो महिलाओं की ना रहकर ये लड़के और उस महिला की लड़ाई हो जाती है। अब ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, बीच चौराहे पर झांसी में कैसे लड़ाई चल रही है पहली तस्वीर आपके सामने है और उसके बाद कैसे युवक के साथ महिला की हाथापाई होने लग जाती है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात सतना की करते हैं, जहां विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने गेस्ट हाउस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। एक महिला से पहले ही छेड़छाड़ का आरोप विधायक जी पर लग चुका है। रिपोर्ट आप। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेसी विधायक की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने गेस्ट हाउस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। गेस्ट हाउस कर्मचारी की गलती इतनी ही थी कि उसे कमरा खाली करने में वक्त लग गया, फिर क्या था, विधायक जी का पारा चढ़ गया। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कर्मचारी को लताड़ते हुए थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो दो दिन पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले विधायक पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लग चुका है। हलचल बहुत तेज होगी आने वाले वक्त में, यहाँ पर चुनाव है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जीतू पटवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शिवराज सरकार पर जीतू पटवारी ने जबरदस्त सियासी हमला किया। राज्य की शिवराज सरकार को जीतू पटवारी फेल बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। राजगढ़ में जनाक्रोश यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये उन्होंने तमाम बातें कही। आपको सुनाते हैं जीतू पटवारी किस तरह से शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का कहीं ये डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार, ये अपना मामा जी का डबल इंजन की सरकार, ये थोड़ा धीमा गए, मोदी थोड़ा कड़क गए, तो तुम्हारे याद है दो 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 इंजन कब लगाना पड़ा है, पहले फेल ही आए तो दूसरा लगाना पड़ा। कमलनाथ
तो एक तरफ जहां कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा, तो इधर मध्य प्रदेश के बुद्धी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार भी कर दिया। कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया है, नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता को नजरअंदाज कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के लाड़कुई में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस राज को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी जनता की फिक्र नहीं थी। साथ ही अपनी सरकार पर उन्होंने कहा कि वो परिवार चलाते हैं, कोई सरकार नहीं चलाते। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में हर बीतते दिन के साथ तीखी बयानबाजियों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पहले शिवराज सिंह चौहान पर निशाना जीतू पटवारी साध रहे हैं, तो अब ये मानकर चलिए कि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हीं शब्दों का जवाब दे दिया हो। शिवराज सिंह चौहान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि बुधनी में थे, यहीं से विधानसभा चुनाव वो लड़ते हैं, बहुत लंबे वक्त से यहीं पर राजनीति की है। और यहां पर जब अपनी जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की बातों का जवाब दिया, सुनिए। और आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। बारिश के बीच दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां हादसे के दौरान दीवार के नीचे दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के चलते मिट्टी की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, अचानक घर की मिट्टी की दीवार बच्चों के ऊपर आ गिरी। आसपास के लोगों ने मिट्टी हटाकर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। और एक हैरान करने वाला मामला उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रहा है, जहां पर रुड़की में मंचलों की सरेआम धुनाई कर दी गई। महिलाओं ने 2 मंचलों को पीट सड़क पर जमकर पीटा। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे मंचले, और उसके बाद महिलाओं ने उनकी जमकर खबर। सरेआम पिटाई के बाद मंचले माफी भी मांगने लगे, ये कह सकते हैं आपके होश ठिकाने आ गए। उत्तराखंड के रुड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 महिलाएं एक मंचले के बीच सड़क पर पिटाई कर रही है। मौके पर लोगों की भीड़ मौजूद है, कई लोग इसका वीडियो बना रहे हैं और एक महिला थप्पड़ों की बरसात लगातार करती जा रही है। ऐसे में युवक अपना चेहरा छिपाने की भी कोशिश करता है। इधर बाइक सवार मंचले के साथी की भी महिलाओं ने जमकर धुनाई कर दी। अब आरोप ये लग रहा है कि महिलाएं स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी और तभी रास्ते में बाइक सवार इन मंचलों ने महिलाओं पर फप्तियां कस दी और फिर आगे निकल। महिलाओं ने बाइक का पीछा किया और इन मंचलों को आगे जाकर जमकर धुना, सड़क पर इनकी धुनाई की। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह कि लोग इन महिलाओं की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मंचलों को ऐसे सबक सिखाए जाने चाहिए। लोगों की तरफ से ये बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खानान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेस्टोरेंट कर्मचारी से मारपीट की गई। लड़की के घर वालों पर मारपीट का आरोप है। अश्लील हरकत करने से रोकने पर पिटाई का आरोप। पुलिस से मामले की शिकायत भी की गई है। पूरा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके का है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स कैफे के एक स्टाफ कर्मी को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ता जा रहा है। दूसरे स्टाफ कर्मी उसे रोकने की कोशिश भी करते, लेकिन उस शख्स का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो किसी के सुनने को तैयार नहीं था। रेस्टोरेंट के स्टाफ की लगातार वो पिटाई किया जा रहा है। दरअसल स्टाफ कर्मी की गलती बस इतनी थी कि उसने सीसीटीवी में दिख रही लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में गलत हरकत करने से रोक दिया। इसके बाद लड़की अगले दिन अपने पिता के साथ आई और स्टाफ कर्मी की पिटाई करवाने लगी, ऐसा पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है। फिलहाल इस मामले में जांच की जरूरत है और पुलिस कैसे जांच करती है और कौन दोषी है और उसे कैसे सजा दिलाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये मारपीट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं अपेंडिस का मरीज हूँ, मेरा 4-5 दिन बाद ऑपरेशन होने को रखा है। मेरे लाते ही लाते मारी हैं, मेरे कपड़ा भी लगा हुआ है इस दर्द के मारे। यहाँ पर मेरे कल से सूजन है,
यहाँ पे बहुत दर्द है, टेटवा पकड़ लिया मेरे स्टाफ के सामने, पूरे स्टाफ के सामने मुझे मारा, हमारे रेस्टोरेंट में कुर्सियां फेंकी, शीशा फोड़ दूंगा और ऐसा बोला कि मैं दरोगा हूँ। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे की ओर से सनातन को खत्म करने के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। द स्टालिन की बेटी मंदिर मंदिर जारी, पूरी खबर समझिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। एक तरफ सनातन के खिलाफ डीएमके के नेता मुखर है, पहले तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए राजा ने सनातन पर विवादित बयान दिए। अब सीएम स्टालिन की बेटी सेंधमराई स्टालिन मंदिरों के चक्कर लगा रही है। दो दिन में तीन मंदिरों पर सेंधमराई पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। तिरुनल्लार वैथी श्रवण मंदिर और सिरकाजी सत्यनाथर मंदिर में उदयनिधि की बहन ने पूजा अर्चना की। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू से की थी और इसे खत्म करने को कहा था। बात अगली खबर की करते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उनके दिए गए सिद्धांतों पर चलने की बात कर रहा है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और यहां उन्होंने बापू को नमन किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उनकी शिक्षा हमें रास्ता दिखाती है, उनके सपने पूरा करने की दिशा में काम हम कर रहे हैं, उनके विचार एकता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में तमाम बातें लिखी हैं। प्रधानमंत्री जिस वक्त राजघाट पहुंचे वहां उन्होंने बापू को किस तरह से नमन किया, इसकी ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है तो उन्हें भी नमन किया और दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया। लाल बहादुर शास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं, ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां कांग्रेस नेता का एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस नेता का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह का वीडियो वायरल हो गया। वायरल क्यों हुआ वो समझिए। वीडियो में कांग्रेस नेता महात्मा गांधी की मूर्ति से बात कर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने खड़े हैं और देश में जो मौजूदा हालात हैं उसे लेकर कोस रहे हैं। साथ ही महात्मा गांधी को फिर से दुनिया में आने की विनती कर रहे हैं। इरशाद उल्लाह के मुताबिक देश में नफरत का माहौल और बापू को दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश दें और इसीलिए बापू एक बार फिर से धरती पर जन्म लें। जरा सुनिए ये किस तरह का संवाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक नेताजी थे, वो महात्मा गांधी को याद करके उनकी छवि से लिपट कर रोने लग गए थे और उसके बाद ये एक तस्वीर जो काफी चर्चा में। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देशभर की कुछ और बड़ी खबरें अगले एक मिनट में। हिंसा में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों पर किडनैपिंग और हत्या का आरोप है। दो स्टूडेंट्स की हत्या के मामले में चारों की गिरफ्तारी की गई है। मुख्यमंत्री ने सजाए मौत का भरोसा दिया है। पंजाब के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमृतसर के श्री दरबार साहिब में माथा टेकेंगे, इस दौरान गुरुद्वारे में सेवा भी करेंगे। हालांकि राहुल गांधी का ये निजी दौरा बताया जा रहा है, लेकिन सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू पर निशाना साधा। चिराग ने जेडीयू को लेकर कहा कि इनके कई नेता हमारे संपर्क में, आने वाले वक्त में जेडीयू खंडित हो जाएगी। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि प्रदेश में जेडीयू का नामो निशान तक नहीं बचेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान पटियाला के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की लापता हो गया। पाकिस्तान से मक्की के गायब होने की खबर है। लश्कर का नंबर दो आतंकी है अब्दुल रहमान मक्की, 26/11 मुंबई हमले में भी इस मक्की का हाथ बताया जाता है।
मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के लिए यह बुरी खबर है। लश्कर का डिप्टी चीफ खूंखार आतंकी अब्दुल रहमान मक्की गायब हो चुका है। मक्की एक दिन पहले यानी रविवार को पाकिस्तान से लापता हो गया। अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा, जिसके बाद यह आतंकी संगठन लश्कर के चीफ हाफिज सईद की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मक्की उसका साला और लश्कर का डिप्टी चीफ है। दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आतंकी मक्की को मार दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि 6 सितंबर को पाकिस्तान के निजामाबाद में कारी खुर्रम शहजाद की हत्या की गई थी। फिर 9 सितंबर को रावलकोट में अबू काजिम कश्मीरी का मर्डर किया गया था। फिर इसके बाद 12 सितंबर को मौलाना जियाउर रहमान की कराची में हत्या की गई थी। 30 सितंबर को मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में गोली मार दी गई थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। और अब आतंकी हाफिज सईद के सबसे करीबी अब्दुल रहमान मक्की के गायब होने की खबर है। अब आपको बता दें कि अब्दुल रहमान मक्की यूएन लिस्टेड एक ग्लोबल आतंकवादी है। इतना ही नहीं, वो आतंकी हाफिज सईद का साला भी है। उसके गायब होने के बाद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में खौफ पसरा हुआ। दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड है। हालांकि दावा यह भी है कि आतंकी मक्की को ISI ने हो सकता है कि किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया हो, क्योंकि एक के बाद एक हाफिज सईद के जितने भी करीबी हैं उन्हें मौत की नींद सुलाई जा रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मक्की के आतंक की पूरी कुंडली समझाते हैं। इसका पूरा नाम है अब्दुल रहमान मक्की। आतंकी संगठन लश्कर का यह डेप्यूटी चीफ है, यानी कि नंबर 2 की पोजीशन ये होल्ड करता है। लश्कर चीफ हाफिज सईद का ये साला, यानी कि रिश्ते में भी उसका कुछ लगता ही। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तानी नागरिक है। पिता का नाम हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी बताया जा रहा है। 26/11 मुंबई हमलों का ये आरोपी है। भारत सरकार ने इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया है। भारत में 7 आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, और ये ग्लोबल टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में छुपा बैठा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात ऐसे बन चुके हैं कि हाफिज सईद के जितने करीबी हैं उन पर मानो काल सा आ गया। उनके कई करीबियों को मौत की नींद सुला दिया गया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि या तो अंडरग्राउंड कर दिया गया है या फिर वो कहीं लापता हो चुका है। इधर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी अब्दुल रहमान पर बड़ा अपडेट ये कि ये अंडरग्राउंड हो चुका है, ये सूत्र बता रहे हैं। ISI ने मक्की को अंडरग्राउंड कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद के करीबियों पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया, जो हाल फिलहाल में 30 सितंबर को मर्डर हुआ है वो बहुत करीबी माना जाता है हाफिज सईद का, और उसके बाद से खतरे बढ़ना शुरू हो गए थे हाफिज सईद पर या उसके करीबियों पर। ऐसे में अब इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। ISI जो कि आतंक को पालता पोसता है, हाफिज सईद को अब तक शरण दिए हुए, उसने ही मक्की को कहीं अंडरग्राउंड कर दिया। हालांकि ग्लोबल टेररिस्ट है मक्की, और ऐसे में उसको अंडरग्राउंड करने को लेकर पाकिस्तान पर जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि मक्की को अंडरग्राउंड किया गया। लेकिन मक्की एक बहुत बड़ा आतंकी है, तो ये फिर से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान इस आतंक को पाल पोस रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद को पाला पोसा, अब कैसे वो उसके लिए गले की फांस बन चुका है। कैसे आतंकी हाफिज के गुर्गों पर वहां एक एक कर सफाया किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले कारी खुर्रम शहजाद निजामाबाद में इसकी हत्या कर दी गई। ये घटना थी 6 सितंबर की। मैं सिर्फ आपको एक महीने का पूरा डेटा बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कैसे हमले किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद अबू काजिम कश्मीरी रावलकोट में इसकी हत्या कर दी गई। ये पहला हमला हुआ था 6 तारीख को, फिर ये 9 तारीख को हमला हुआ, और फिर उसके बाद मौलाना जियाउर रहमान कराची में इसकी हत्या कर दी गई। ये हमला होता है 12 सितंबर को। तो ये एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद मुफ्ती कैसर फारूक कराची में 30 सितंबर को इसकी हत्या कर दी गई। तो ये 4 लोग ऐसे थे जो बेहद करीबी माने जाते हैं हाफिज सईद के, और इन 4 लोगों पर हमले किए गए, कुछ लोगों को मार दिया गया। ऐसे में मक्की पर भी जब खतरा मंडरा रहा था तो उसके बाद उसे अंडरग्राउंड किए जाने की खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि ISI ने ही उन्हें सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के अशोकनगर से, जहां महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई। आपको बता दें महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बदहवास हालत में खेत में महिला पड़ी हुई मिली है। 4 लोगों ने अपहरण कर महिला के साथ रेप किया है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोकनगर में महिला के साथ ये गैंगरेप की वारदात बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा उज्जैन में एक लड़की बदहवास अवस्था में ऐसे ही बिना कपड़ों के चलते हुए देखी गई। उस मामले की पूरी दुनिया में भर्त्सना हुई थी, और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अशोकनगर से ही ऐसी घटना सामने आ रही।
महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदहवास हालत में लड़की खेत में मिली है और अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी, ग्राम म्यापुर के पास खेत में एक महिला बंधी हुई अवस्था में डायल अवस्था में मिली है, जिस पर से 100 डायल वहाँ पहुँची थी। 100 डायल वहाँ से लेकर उसको शाहडोर अस्पताल में लाई है, जहाँ उसके द्वारा अपने आप को 4 व्यक्तियों के द्वारा गाड़ी में डालकर और अपने साथ पुराकृत के संबंध में बताया गया है। महिला को चोटें भी हैं, जिस संबंध में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। शीघ्र मेडिकल पर अगला मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अशोकनगर भेजा जा रहा है। साथ में ही महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जिस जिस संबंध में वो बताएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश से हुई बर्बादी की। रांची में बारिश में जमकर तबाही हुई है, घर और दुकानों में बारिश का पानी घिर चुका है। बारिश की वजह से एक युवक की जान तक चली गई है। झारखंड की राजधानी रांची में इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर सैलाब आ गया। कोई सैलाब के कारण परेशान है तो कोई कहीं पर गिर रहा है, और ऐसे ही कुछ परेशानियों का सामना लोगों को बीच रास्ते पर करना पड़ रहा है। यहां मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की परेशानी की तस्वीरें केवल इसकी वानगी है। भारी बारिश के कारण पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में झमाझम बारिश जारी है, और मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से शुरू हुई बारिश अगले 3 दिनों तक यूं ही जारी रहेगी। यानी कि जो झारखंड के लोग हैं उनकी मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हालात काफी खराब है। अब 3 दिन अगर और बारिश हो जाएगी तो आप समझिए कि जो सड़कों पर सैलाब आया है तब तो न जाने क्या तबाही का मंजर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे कि भाई कैसे चलें। ऑटो रिक्शा गाड़ियां उनको भी चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये आसमानी आफत है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है लेकिन सैलाब का सितम अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी झमाझम बारिश हो रही है जो होती नहीं थी पहले। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसी का एक बहुत बड़ा कारण है। मानसूनी मुसीबत से जुड़ी अब बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की रत्नागिरी से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में भारी बारिश की आफत आ चुकी है। लगातार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जलभराव के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जलजमाव से कई जगह यातायात बाधित हो चुका है। हालात बहुत ज्यादा खराब महाराष्ट्र में भी नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होती है या वहां पर ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैदानी इलाकों में अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर तो पानी इकट्ठा हो रहा है, बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। लोगों के घरों में दुकानों में हर तरफ पानी भर रहा है, और ऐसे में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना या फिर ऑफिस के किसी काम से जाना या कोई और इमरजेंसी है तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।